अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं J4 E-Tech, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज Asus ने जो है उसके 3 सेल्फी सेंट्रिक मॉडल जो है आज अनाउंस कर दिए हैं, इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से एक जो है उसका टॉप मॉडल है जिसका नाम है Asus ZenFone 4 सेल्फी प्रो, और उसके अलावा जो उसके 2 लोअर मॉडल हैं जिनका नाम है Asus ZenFone सेल्फी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज यू टेलीवेंचर्स का नया फ़ोन यूरेका 2 साइलेंटली तरीके से लॉन्च हुआ है, जो कि एक्सक्लूसिव अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में, और ये Asus ZenFone 4 जो है ये भी आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा सिर्फ फ्लिपकार्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है यूरेका 2 और ये ZenFone 4 का जो प्रो मॉडल है उसको जो है कंपेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ जो है आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फ़ोन की स्क्रीन साइज़ और डिस्प्ले की। तो यहाँ पर स्क्रीन साइज़ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन का 5.5 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन साइज़ है। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो जो यूरेका 2 है इसमें आपको 1080p का डिस्प्ले मिलता है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है विथ 2.5D कर्व ग्लास। और दोस्तों, यहाँ पर जो ZenFone 4 है यानी जो प्रो मॉडल है, इसमें भी आपको जो है 5.5 इंच का 1080p का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है सुपर एमोलेड स्क्रीन यूज़ हुआ है, जैसा कि आपने सैमसंग वगैरह के फ़ोन में देखा होगा उस टाइप का। वहीं दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर की। तो दोनों ही फ़ोन में आपको जो है स्नैपड्रैगन का 625 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2GHz पे क्लॉक्ड है। अगर रैम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4GB का रैम मिलता है दोनों फ़ोन में, और इंटरनल स्टोरेज की हम बात करते हैं तो 64GB का स्टोरेज आपको इंटरनल मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो दोनों को ही आप बढ़ा सकते हैं। यूरेका 2 को जो है आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जो ZenFone प्रो है, सेल्फी प्रो है, इसको आप जो है 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो आपको रियर कैमरा है यूरेका 2 का, वो मिलता है आपको 16MP का कैमरा। वहीं दोस्तों, जो आपको ZenFone सेल्फी प्रो का कैमरा मिलता है, वो भी आपको मिलता है 16MP का कैमरा, जिसका अपर्चर आपको मिलता है 2.0 का, और जो सेंसर इसमें यूज़ हुआ है वो हुआ है सोनी का IMX351। वहीं दोस्तों, अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यूरेका 2 में आपको मिलता है 8MP का फ्रंट कैमरा, जो कि फुल फोकस कैमरा है, इसमें आपको ऑटो फोकस नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों, ZenFone सेल्फी 4 प्रो में जो है आपको 24MP प्लस 5MP का डुअल कैमरा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है डुअल कैमरा है, इसमें दोस्तों जो एक लेंस है वो आपका, इसमें जो अपर्चर आपको मिलता है डेट इज़ 1.8 का, और इसमें जो सेंसर यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है सोनी का IMX362। वहीं दोस्तों, सेकंड जो आपको लेंस मिलता है वो 5MP का लेंस मिलता है, जिसमें आपको 120 वाइड एंगल का सेंसर मिलता है। और दोनों ही डुअल कैमरे में दोस्तों, इसमें आपको इमेज इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, आपको जो है 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है, यानी आप सेल्फी कैमरा से जो है 4K वीडियोज़ भी ले सकते हैं, प्लस आपको कुछ पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी मोड, ये सब बुके इफेक्ट्स वगैरह जो है आपको ZenFone 4 प्रो में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बेसिकली मतलब सेल्फी सेंट्रिक फोन है, तो ऑब्वियसली आपको ये जो चीज़ें हैं कैमरा के डिपार्टमेंट में, स्पेशली फ्रंट कैमरा के डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर जो है ZenFone 4 ज़्यादा बेटर साबित हो जाएगा। दोस्तों, दोनों ही फोन में जो है आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो यहाँ पर यूरेका 2 है जिसमें आपको मिल जाता है 3930mAh का बैटरी, और यहाँ पर जो ZenFone 4 सेल्फी प्रो है इसमें आपको मिलता है 3000mAh का बैटरी। तो यहाँ पर जो है यूरेका 2 से आपको कम बैटरी मिलता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यूरेका 2 में आपको एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.1 मिलता है, और ZenFone 4 सेल्फी में आपको एंड्रॉइड का नोगट 7.1 मिलता है, जो कि Zen UI पे बेस्ड है। Zen UI जो है इसका कस्टम UI है ZenFone का। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा पुराना है यूरेका 2 में, वहीं आपको ZenFone 4 में जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करता हूँ तो यूरेका 2 जो है थोड़ा बेटर डील साबित हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको 12,000 में सब कुछ मिल जा रहा है एक्सेप्ट कैमरा। कैमरा ऑब्वियसली ZenFone 4 प्रो का ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको 24,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट डबल मनी। तो दोस्तों, बाकी फाइनल कॉल ऑब्वियसली आप लोगों का है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सही लगता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यूरेका 2 जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा बेटर डील मुझे लगती है। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पर आप जो है Redmi Note 4 और जो Mi A1 है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों फ़ोन है दोस्तों, यूरेका ब्लैक से 2000 से 4000 के बीच में थोड़ा आपको ज़्यादा प्राइस देनी होगी, लेकिन स्टिल आपको ZenFone से बेटर डील है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ रिव्यूज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।